सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर में ही एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो कि इसका टॉपिक ये है कि हम लोग किस एक्वेरियम जो हमारे घर में होता है उसको किस तरीके से क्लीन करें और किस तरीके से फिशेस को बचाया जा सके, किस तरीके से उसको सिक्योर रखा जा सके। तो चलते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से एक्वेरियम को क्लीन किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर में ही ब्लॉग शूट करने वाले हैं। एक्चुअली हमारे पास एक्वेरियम है जिसको कि क्लीन करना है, और उसके दरमियान मैं बताऊंगा कि अपने एक्वेरियम को किस तरीके से सेफली क्लीन करें ताकि वो टूटे फूटे ना और हमारा फिशेस भी सेफ रहे। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी दो एक्वेरियम है, एक बड़ा सा टैंकर है, देख सकते हैं इसमें कितने सारी फिशेज है। ऑलमोस्ट बहुत सारी फिशेज प्रेगनेंट भी है, एंड एक ये जो है हमारे पास छोटा वाला एक एक्वेरियम जैसे कि बेबी फिशेस को रखा गया है। तो आज मैं इसे ही क्लीन करने वाला हूँ। चलते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बर्तन ले ले ताकि उसमें छोटे फिशेस को निकाल के रख सके, और इसमें अभी जा रहा हूँ मैं पानी भरने के लिए। और मैं पानी भर के ले आया हूँ। अभी क्या है कि इस छोटे फिशेस को निकाल के इसमें रखूँगा। फिशेस को निकालने के लिए इस तरीके का छन्नी का यूज़ कर सकते हैं, देखिए। निकालते वक्त थोड़ा फिशेस को ध्यान से निकालना होता है ताकि उसे चोट ना पहुंचे। देखिए अभी किस तरीके से ये जो फिशेस हैं से ये लोग जंप करके बाहर गिर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से। और देखिए ये मैंने सारे फिशेस को निकाल लिया है एक अलग पॉट में, और अभी मैं जा रहा हूँ इन सभी जो गंदे पानी इसको फेंकना है, और अभी इस पानी को फेंकना है। बंद कर दे, पास कर दे सर। हाँ, अभी जो है इसमें पानी भरेंगे। क्या बोलते हैं इसको, बर्तन साफ करने के लिए। साफ करने के लिए वापस अपने जगह पे इसको रख देते हैं, और चलते हैं इसके अंदर का जो भी सामान है उसको भी साफ कर लेते हैं। और अभी हमने इसको अपने जगह पे रख दिया है अच्छे से क्लीन करके और पानी भर के। और इसमें जो भी ऐसे सीरीज है जैसे कि वाटर हीटर है जो कि ठंड में मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड वाटर फिल्टर है, अभी इन सभी चीज़ों को भी क्लीन करेंगे। और इसके अंदर का जितना भी स्टोन्स था और जो भी फ्रीज वगैरह लगे हुए थे सभी उसके वापस इसमें डालते हैं। चलते हैं फटाफट क्लीन करेंगे। वाटर हीटर को इसमें सेट करते हैं, और जो हमने क्लीन किया था
नीचे से नीचे नीचे सीधा से सो फाइनली हमारा ये एक्वेरियम सेट हो चुका है। देखिए तो ये फाइनली सेट हो चुका है और इसमें बहुत सारा मेडिसिन भी दिया जाता है, लाइक इस वाटर को ज़्यादा टाइम तक क्लीन रहने के लिए। कुछ छोटा छोटा जैसे ये बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उससे बचने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं, ये टाइम टू टाइम दिया जाता है, तो इसमें वो भी डाला जाएगा। एंड इसके खाने के लिए जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये है इसके खाने के लिए जो 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 इस तरीके से आता है। तो इस तरीके का दाना टाइप में रहता है, इसको मतलब को लाइक पीस करके इसमें दिया जाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, ये लोग इतने बड़े दाने को खा नहीं पाएंगे, इसी वजह से मतलब पीस करके दिया जाता है ताकि ये इजीली खा पाए। तो आई होप कि आपको हमारा ये पूरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ मतलब हेल्प मिला हो कि रेमो किस तरीके से क्लीन करें उस विषय में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट वाले में ऐसा रहेगा कि जो ये मेरा बड़ा टैंकर है इसे क्लीन किया जाएगा, इसका पानी चेंज किया जाएगा। इसको करने में काफ़ी परेशानियाँ भी आती हैं, बहुत समय तो ऐसा होता है कि इसका ग्लासेस वगैरह भी टूट जाता है, बट बहुत ध्यान से इसे तीन चार लोगों का हेल्प लगता है इसे क्लीन करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप कनेक्टिंग। एंड जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। थैंक यू।